कोविड की चुनौतियों के बीच 12वीं परीक्षा कंडक्ट की गई और अब उसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए। हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेम साय जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परिणाम घोषित हुए हैं, सुखद परिणाम है, 97% लोग पास हुए हैं, क्या कहें? कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो हम लोगों ने परीक्षा की जो तैयारी की थी कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाए, उसके तहत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था किया उसके तहत उसके जो अभिशाप पुस्तिका है उसको दे दिया जाए और घर में अच्छे लिख के उसको ले आए और आज परीक्षा परिणाम 97.43% निकला है। काफ़ी उत्साहजनक लोगों को रहा है और मैं उनकी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। और इसमें अच्छे नंबरों से लोग पास हुए हैं, बालक इसमें जो पास हुए हैं, जो रिजल्ट निकला है। देखिए, अब हमारे जो विद्यार्थी जो पंजीकृत हुए थे वो लगभग 2,89,023 थे, लेकिन जो परीक्षा में जो बैठे वो 2,84,107 और उतने के परीक्षा के हम लोग घोषणा हम लोग किए हैं। अच्छा, परिणाम जो आए हैं, परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ था, क्या परिणाम संतुष्टिजनक है? कुछ लोग फेल भी हुए हैं क्योंकि देखिए कोरोना संक्रमण काल में जिस जो व्यवस्था हो सकती थी वो हम लोगों ने किया और छात्र हित में निर्णय लिया था, लेकिन उसमें कुछ लोग क्या सप्लीमेंट्री आए हैं, कुछ लोग उसमें अतुल भी हुए हैं, मतलब पास भी नहीं हुए हैं। अब जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए अवसर था पास होने के लिए, लेकिन अगर उसके कुछ व्यवस्था अगले बार या भविष्य में कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह। अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें 12वीं में प्रथम डिवीजन आने वाले जो छात्र हैं उनका जो प्रतिशत है वो 95% के आसपास है। 97% में 95% लोग फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं, तो सबको हमारी शुभकामनाएं और परीक्षा परिणाम सबके लिए सुखद माना जा सकता है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी।